morning. And let's celebrate. दोस्तों, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है. मैं एक बिजनेस कोच और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूँ. और आज हम लोग चीटफाट करने वाले हैं एप्पल के इस 4 पेज के एडवर्टीजमेंट के. हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा लीडिंग न्यूज़पेपर है, क्या समझते हैं कितने का होगा ये 4 पेज? सबसे प्राइम लोकेशन पर है. आईफोन ने, इस एप्पल ने भर भर के चला क्या चली है. एप्पल, आप लोग जानते हैं कि इस समय वर्ल्ड के अंदर नंबर 2 कंपनी है. खरबों रुपए की इसकी वैल्यूएशन है. ये नंबर 1 मोबाइल फोन है वर्ल्ड के अंदर. उसके बावजूद भी इसने चलाकियां चली हैं. मैंने आपको हमेशा बताया है, बिजनेस में, सेल्स में, मार्केटिंग के अंदर जब तक आप चलाकियां, स्ट्रेटजीज समझदार नहीं चलाओगे, नहीं चल सकता. आज सीखते हैं हम लोग एप्पल से. इनके 4 पेज देखिए कौन कौन से हैं. एक तो है फ्रंट पेज, उसके बाद फ्रंट इनसाइड है, सबसे प्राइम 2 पेज, उसके बाद बैक पेज है और बैक इनसाइड भी है. 4 पेज कितने के होंगे? 2.5-3 करोड़ रुपए के एडवर्टीजमेंट है. तो चला के तो चली चली होगी. बिजनेस तो इन लोग को भी चाहिए, राइट बॉस? तो शुरू करें हम लोग. देखिए क्या क्या चला के इन लोगों ने कर रखी है. चले हम लोग पर्दे के पीछे. बॉस, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या क्या देखा है चलाकियों को एप्पल को करते हुए इन 4 पेज के एडवर्टीजमेंट में, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, मैं आपको ये चारों के चारों पेज दिखाता हूं. वीडियो को पॉज कीजिए और खुद अपनी अकल लगाओ. अपना जो मैंने अपनी जो टॉप स्टोरी है उसको लगाइए आप लोग. ये 4 पेज में क्या क्या है? सबसे पहले इन लोगों ने एडवर्टीजमेंट दिया है, पूरे एक पेज का सिर्फ दिया है आईफोन 12 मिनी को. पूरा एक पेज दे दिया आईफोन 12 मिनी को, जो कि इनका कम बिकने वाला मोबाइल फोन है. क्यों? जो सबसे कम बिकता है उसको सामने रखा है. फिर उसके बाद दूसरा पेज दिया है लोगों ने, पूरे पेज का. मैं हंस रहा हूं इसलिए क्योंकि ये बेवकूफी नहीं की, इन लोगों ने भर भर के चला के चली है, भर भर के. दूसरा पेज दिया है इन लोगों ने आईफोन 12 को, उसके बाद जो इनका सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल फोन है, सबसे एक्सपेंसिव, उसको पीछे दे मारा इन लोगों ने आईफोन 12 प्रो को. और उसके बाद जो सबसे सस्ता है आईफोन 11, उसको बैक इनसाइड में दिया है. क्यों? अच्छा, साथ में एक बात और आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिसको आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है कि क्या आपको नहीं लगता कि इस नीचे की तरफ जो ऑफर जोन है ये चारों में सेम है? क्या आपको नहीं लगता कि नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन वो भी सेम है? अगर ये चाहते तो क्या ये चारों के चारों मोबाइल फोन का एडवर्टीजमेंट एक पेज पर नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, नहीं दिया. क्यों? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए. डन. तो अब मैं देता हूं आपको अपनी वैल्यूएशन, जिसको जानने के लिए हम लोग चलते हैं फिर दोबारा से पर्दे के पीछे. सबसे पहले एप्पल जो है वही कर रहा है जो सबके सब कर रहे हैं, बाटा प्राइस. बाटा क्या करता है? वो अपने शू को कभी भी 2000 का नहीं दिखाता. वो दिखाता है अपने शूज को 1999 का, क्योंकि कस्टमर को लगता है ये प्राइस जो है वो 2000 की ब्रैकेट में नहीं है, ये प्राइस जो है इस शू का 1000 की ब्रैकेट में. बिल्कुल वैसे ही इसके सारे के सारे फोन जो है वो 100 रुपए या 1 रुपए कम है. आईफोन 12 प्रो 119,900 का है. क्यों भैया? तुम इसको 1,20,000 का कर दो ना. 1,20,000 का नहीं करना, इसको 1,19,900 का करना है. वही बड़ा प्राइस. ये चला कि आईफोन भी करता है. आईफोन 12 मिनी की प्राइस जो है वो एक्चुअल में है 84,900, लेकिन वो है 256 GB की स्टोरेज की. उससे कम स्टोरेज वाला है 128 का, जिसकी प्राइस है 74,900. लेकिन सबसे कम प्राइस है 69,900, जो कि 64 GB स्टोरेज के लिए है. लेकिन प्राइस तो यहां पर लिखा हुआ है 63,900. ये भी एक चलाकी है. इन लोगों ने यहां पर प्राइस दिखाते हुए कहा है कि अगर आपके पास HDFC क्रेडिट कार्ड है तो हम लोग को 6,000 रुपए का आपको डिस्काउंट देंगे. उस डिस्काउंट को भी कम करके यहां पर डिस्प्ले किया है, ताकि सबसे सस्ते से सस्ता मोबाइल फोन सामने दिखाया है कि हमारा आईफोन 12 जो कि सबसे लेटेस्ट है, पावरफुली पैक्ड है, उसमें सब कुछ है. छोटा सा साइज ही तो कम है ना. लेकिन नहीं, साइज कम नहीं, उसकी बैटरी बैकअप भी कम है. लेकिन वो डिस्प्ले नहीं किया लोगों ने, सब दिखाया कि आईफोन 12 मिनी है, पावरफुली पैक्ड है, ये सामने डिस्प्ले किया है. और स्टार्टिंग फ्रॉम 63,900 उसको बड़ा बड़ा किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम को छोटा सा कर दिया है. फॉन्ट उसका सबसे छोटा रखा है, पतला सा रखा है, लेकिन 63,900 को बोल्ड में दिखाया है लोगों ने. फिर उसके बाद एस्ट्रिक्स दिखाया है. एस्ट्रिक्स क्या होता है? कंडीशन अप्लाई. और इस कंडीशन अप्लाई को इन लोगों ने नीचे की तरफ लंबी सी लाइनों में दिखा दिया है. अगर लंबी सी लाइन में दिखाएंगे, इतनी ज्यादा दिखाएंगे, छोटे छोटे अक्षरों में दिखाएंगे, कोई इसको नहीं पढ़ता. अगर वो छोटी छोटी होती है, 2-4-5-7 वर्ड्स की होती है, तो कोई भी इसको पढ़ सकता है, अदरवाइज कोई इसको नहीं पढ़ता. तो ये एस्ट्रिक दिखाना, नीचे जाके अपनी सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को लिखना, भी चला की है.
नेक्स्ट समझदारी तो इन लोगों ने की है, वो अपने जो हेडर है, वो जो टॉप लाइन है, उसको संक्षिप्त में बहुत ही शॉर्ट रखा है। क्या लिखा है? सिर्फ आईफोन 12 मिनी पॉपुली पैक्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 63,900, दैट्स ऑल। कितने वर्ड हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सिर्फ 8 वर्ड्स। क्यों इतना बड़ा 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 लिखते हो? आज कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास टाइम नहीं है, उसके पास हर तरफ से लेफ्ट राइट सेंटर हर तरफ से एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। अपने एडवर्टाइजमेंट की टॉप लाइन को इतना शॉर्ट रखो ताकि इससे पहले कि वो फ्लिप करके बाकी न्यूज को पढ़े, अगर उसका ध्यान आप केंद्रित कर सकते हो तो आपके लाखों करोड़ों खर्चने का फायदा होगा। अगर आप नहीं कर पाए तो आप फेल हो जाओगे। इसलिए अपनी टॉप लाइन को, जो आपका हेडर है, वो शॉर्ट से शॉर्ट से शॉर्ट होना चाहिए, जो किया है एप्पल ने। एप्पल ने जहां चलाकियां चली हैं, गलतियां भी करी हैं, ढेरों करी हैं। एक गलती मैंने इनकी पकड़ी है और वो है, नीचे एस्ट्रिक्स में नीचे जाके लिखा हुआ है ऑफर अवेलेबल टिल स्टॉक्स लास्ट। इसका मतलब है भैया, ये जो ऑफर है ये तब तक के लिए जब तक आपके पास माल है, बाद में माल नहीं होगा। क्योंकि बाद माल नहीं होगा, आप सोचते हैं माल नहीं होगा या क्या? पहली बार बनाया लोगों ने और अब बनाने के बाद, माल खत्म होने के बाद माल वापस नहीं आएगा? आएगा, लेकिन ये लोग बताना चाहते हैं कि भैया जल्दी से जल्दी खरीदो नहीं तो माल खत्म हो जाएगा। ये गलती है, जो इतना छोटा फाइन प्रिंट में लिखा हुआ है, इसको फाइन प्रिंट में लिखने की जगह पर इसको बड़ा बड़ा नीचे की तरफ, मोबाइल के नीचे जो पिक्चर है उसके नीचे या फिर इसके ऊपर आना चाहिए था। आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें कोई ना कोई पिक्चर होनी चाहिए, क्योंकि पिक्चर जो है ध्यान को आकर्षित करने में बहुत सहायक होती है। और वही इन लोगों ने किया है, अपने सारे के सारे न्यूज़पेपर के अंदर, अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर बड़ी सी पिक्चर एक दिखा रखी है और उसमें जितने भी कलर्स हैं उन सब के सब कलर्स को एक दूसरे के पीछे लगा रखा है। इससे ध्यान जल्दी आकर्षित होता है आपके व्यूअर का, आपके ऑडियंस का। समझदारी है। तो चले हम लोग नेक्स्ट पेज पर, तीन और पेज अभी रहते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी एडवर्टाइजमेंट करना तो मैं भूल ही गया। एप्पल की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, उनको सिखा रहा हूं, अपनी एडवर्टाइजमेंट कब करूंगा? बॉस, अगर आपको हमारे बिजनेस कोर्स को और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना है और यही स्ट्रेटजीज, यही चला कि आपको अपने बिजनेस की चाहिए और आपकी बत्ती जो है वो बुझी हुई है और आपको लग रहा है कि बत्ती कैसे जलाऊं, इसके लिए मुझे अनुराग अग्रवाल की जरूरत है, दो तरीके हैं, या तो आप चाहें तो दिल्ली आ सकते हैं, चाहें तो आप फोन से कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको ऊपर लिखे हुए नंबर पर कॉल करना है। हमारे दो कोर्सेज हैं, बिजनेस कोर्स और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, और इन दोनों कोर्स के लिए आपको आना पड़ेगा। कंसल्टेंसी अगर आपको फोन से चाहिए तो वो भी पॉसिबल है, राइट बॉस? तो चले हम लोग बाकी तीनों पेजों का विश्लेषण करने के लिए पर्दे के फिर दोबारा से पीछे। तो अब हम लोग चलते हैं आईफोन 12 पर, यानी कि फ्रंट इनसाइड पर। इसको इनसाइड में रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि आईफोन 12 जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है आईफोन मिनी से, और इसमें तीन वेरियंट है, 256, 128 और 64। आपके ख्याल से जो प्राइस लिखा हुआ है 73,900, किसका प्राइस होगा? जी हाँ, सबसे सस्ते वाले, लेकिन जो सबसे सस्ता है 64 का, उसकी प्राइस पे 79,900, लेकिन आप प्राइस तो लिखी हुई है 73,900। जी हाँ, इसके अंदर भी इन लोगों ने सबसे कम वेरिएंट को, जो सबसे कम स्टोरेज है, उसमें भी 6,000 रुपए का जो कैशबैक है उसको भी काट करके सामने लिखा हुआ है। आपको हमेशा मैंने बताया है, जब भी आप प्राइस दिखाओ अपने प्रोडक्ट की तो कम से कम से कम वाली दिखाना, और जब भी डिस्काउंट दिखाओ अपने शॉप के बाहर या अपने प्रोडक्ट की तो ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा वाली को चुनना। मान लीजिए आपके यहाँ पर कुछ एक प्रोडक्ट 20% डिस्काउंट के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, तो आपको डिस्प्ले में क्या करना है? 60 दिखाना है। वो जब फुटफॉल हो जाएगा, अंदर ग्राहक घुस जाएगा, अंदर जाके एक बार आ गया ना, तो फिर जाके देखेगा 60 वाला भी है, 40 भी है, 30 भी है, 20 भी, और फ्रेश अराइवल्स भी हैं। तो यही एप्पल ने भी किया है। नंबर वन कंपनी भी ये चला के चल रही है कि उसने अपने सारे वेरिएंट्स में सबसे सस्ते से सस्ता वाला जो वेरिएंट था उसके अंदर भी डिस्काउंट को काट करके उस प्राइस को सामने डिस्प्ले किया है, 73,900, और वो भी बाटा प्राइस है। एक जो मिस्टेक मुझे दिखाई देती है, जैसे फ्रंट में इन लोगों ने आईफोन मिनी के लिए किया था, पांचों के पांचों वेरिएंट दिखाए थे, यहां पर सिर्फ एक वेरिएंट दिखाया है। देख रहे हैं आप लोग, सिर्फ ब्लू कलर दिखाया है, जिसके कारण से पूरा पेज जो है थोड़ा सा कलरफुल कम है, मोनोटोनस सादा है। ये एक मिस्टेक मुझे दिखाई दी। अच्छा, चला के यहां पर भी इस पेज पर भी कम नहीं है, बिल्कुल इसी ढंग से फ्रंट पेज की तरह भी इन लोगों ने टाइटल ले रखा है, ब्लास्ट पास्ट फास्ट टाइटल होना चाहिए, और फिर इसी ढंग से प्राइस को बढ़ा कर रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम को छोटा कर रखा है, सबसे कम वेरिएंट को दिखा रखा है, एस्ट्रिक्स भी है साथ में,
एस्ट्रिक्स भी है और एस्ट्रिक्स को नीचे छोटे छोटे फाइन अक्षरों में एक्सप्लेन कर रखा है और साथ में नीचे ऑफर जोन भी है, कैशबैक भी है, साथ में ईएमआईज भी है, बिल्कुल वही जो और पेज पे है वही चला के सब के सब पेज पर रिपीटेड लिख कर रखी। चलिए अब हम लोग आते हैं इनके बैक इनसाइड कवर पर और इस बैक इनसाइड कवर पे इन लोगों ने आईफोन 11 जिसकी प्राइस सबसे कम है 50,000 भी नहीं है इसको यहां पर देके मारा है। अब मुझे बताइए जिस प्रकार से इन लोगों ने आईफोन मिनी को सबसे फ्रंट में रखा था क्योंकि उसकी प्राइस सबसे कम थी, तो क्या इन लोगों को इससे नहीं स्टार्ट करना चाहिए था? मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि इन लोगों ने क्यों आईफोन 11 को पीछे देके मारा है जबकि इसकी प्राइस सबसे कम है 49,950 से भी कम है। मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। और इस पेज पे भी भर भर के चला के चल रखी है, अगर आप देखें तो कलरफुल पावरफुल एसेंशियल, कलरफुल भी है पावरफुल भी है एसेंशियल भी है, 50,000 से कम है वही एस्ट्रिक्स भी है वही नीचे चला किया है, मुझे सारा का सारा फाइन प्रिंट में है और साथ में वही कैशबैक इसमें भी है, ईएमआई इसमें भी है, सब कुछ दे रखा है इन लोगों ने। लास्ट में आपको दिखाने जा रहा हूं आईफोन 12 प्रो को और इसमें एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताइए जब इन लोगों ने सबकी प्राइस को डिस्प्ले किया है तो आईफोन 12 प्रो की प्राइस को डिस्प्ले क्यों नहीं किया, इसमें क्या चला किया? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और इस पेज में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यह आप लोगों के लिए टास्क दे रहा हूं मैं, मुझे बताइए इस पूरे पेज में क्या क्या चला की है। वीडियो को पॉज करो, इस पेज को लार्ज करो और देखो इसमें क्या क्या भर भर के चला किया है इस पेज के अंदर भी, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है? और मैं देखता हूं और आप इसे ज्यादा समझदार है, राइट बॉस? आज की वीडियो कैसी लगी, ये एप्पल का जो विश्लेषण मैंने किया है ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और साथ में कोर्सेज को अगर ज्वाइन करना चाहते हो ऊपर लिखे हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितनी वीडियो और आने वाली है सब की सब मिस होती चली जाएंगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको लगता है कि अगर आज की ये जो वीडियो है किसी और के काम आ सकती है, आपके किसी बिजनेसमैन दोस्त के काम आ सकती है, तो उसके साथ में शेयर कीजिए। और हम लोग मिल रहे हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शबक है बी सिंह, गुड नाइट।